आज हम एक ऐसी डिसीज के बारे में बात करेंगे जिससे भारत में महिलाएं एवं बच्चे इस डिसीज से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। आज हम एनीमिया के बारे में बात करेंगे। एनीमिया क्या है, ये किस कारण से हो जाता है, इसके लक्षण एवं इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इन्हीं सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। शरीर में आयरन की कमी होना एनीमिया कहलाता है। आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है और किसी भी कारण से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम बनने लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर में खून की कमी आ जाती है। इसी को हम एनीमिया बोलते हैं। पुरुषों में हीमोग्लोबिन का लेवल 12-16% mg होता है, जबकि महिलाओं में 11-14% mg होता है। चलिए सबसे पहले इनके कारणों के बारे में बात कर लेते हैं कि किस वजह से हमारे शरीर में एनीमिया की कमी हो जाती है। शरीर में फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन B6, B12, फेरस स्क्वारवेट, फेरस अमोनियम के कारण हीमोग्लोबिन कम बनने लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर में एनीमिया की कमी हो जाती है। महिलाओं में 5 दिन से अधिक महामारी होती है या ब्लडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उसके कारण से भी आयरन की कमी हो जाती है। किसी भी कारण से चोट लगने के कारण, घाव होने के कारण हमारे शरीर से खून का बहाव बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण से हमारे शरीर में एनीमिया की कमी हो जाती है। RBC रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाओं का हमारे शरीर में सामान्य से कम स्तर होने के कारण भी हमारे शरीर में एनीमिया की कमी हो जाती है। चलिए एनीमिया के लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होने लगती है, थोड़ा बहुत चलने फिरने पर हाथ पैरों में दर्द बहुत ज्यादा महसूस होने लगता है, हृदय की गति सामान्य से तेज धड़कने लगती है, जिसके कारण घबराहट होने लगती है, हाथ पैरों का रंग एवं आंखों का रंग पीला एवं सफेद पड़ने लगता है, सिर में दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं जिसके कारण पेट में दर्द होने लगता है, हाथ पैरों में सूजन आने लगती है, थोड़ा बहुत चलने पर बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है या बैठने पर बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, कुछ समय लेटे रहने या बैठने के बाद उठने पर आंखों के सामने अंधेरा होने छाने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, भूख बहुत कम लगने लगती है, जिसके कारण कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होने लगती है। यदि आपके शरीर में एनीमिया की शिकायत है तो आपको इनमें से किसी भी प्रकार के लक्षण नजर आ सकते हैं। वैसे आपको कंफर्म करने के लिए एक हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाना चाहिए। ये टेस्ट ब्लड सैंपल के द्वारा होता है। इस टेस्ट में हीमोग्लोबिन का पता लगाया जा सकता है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना है। यदि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कम है तो आप फूड सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जैसे अनार, सेब, अंगूर, तरबूज, आप चुकंदर भी ले सकते हैं, चुकंदर में भी आयरन काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, पालक ले सकते हैं, पालक में भी आयरन काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, आप पत्ता गोभी ले सकते हैं, पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं, हरी सब्जियां ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, मटर में भी आयरन काफी मात्रा में पाया जाता है, और आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, जैसे अंजीर, बादाम, किशमिश, खजूर आदि में भी आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। माँ के दूध में आयरन काफी मात्रा में पाया जाता है। जो 4-9 माह के जो बच्चे होते हैं जिनमें आयरन की कमी हो जाती है, उन माओं को आयरन की भरपूर मात्रा लेनी चाहिए, जिससे उनके जो शिशु होते हैं उनको भी आयरन की भरपूर मात्रा मिल सके। और यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप रेड मीट, चिकन, फिश, एग आदि भी ले सकते हैं, जिसमें भी आयरन भरपूर मात्रा में पाया जा सकता है, जिससे आप आयरन की पूर्ति कर सकते हैं। यदि आप सही मात्रा में फूड सप्लीमेंट नहीं ले पा रहे हैं या आपके शरीर में आयरन की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वे आपके लिए फोलिक एसिड, विटामिन B6, B12, फेरस स्क्वारवेट, फेरस अमोनियम आदि टैबलेटों के लिए या सिरप के लिए आप एडवाइस कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में आयरन की कमी की पूर्ति हो सके। यदि ये लेने के बाद भी आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर नहीं बढ़ रहा है या आयरन की कमी की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो, जिसके कारण भी हमारे शरीर में आयरन की कमी होने लगती है। हमारे शरीर में जो विटामिन सी होता है वो ठीक तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में आयरन की कमी होती रहती है। आप कितना ही आयरन सप्लीमेंट लें या आयरन फूड सप्लीमेंट लें, लेकिन आपके शरीर में आयरन की कमी की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो आप डॉक्टर से विटामिन सी के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं।
वैसे भी बिना डॉक्टर की एडवाइस से किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।